बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो पूजा पाठ कराकर किसी तरह से अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से होती थी। एक दिन ब्राह्मण गांव में किसी के घर पूजा कराने गया। वहां उसके यजमान ने उसे एक बकरी दे दी। ब्राह्मण का घर वहां से काफी दूरी पर था, इसीलिए ब्राह्मण रास्ते में चलते चलते अपने मन में विचार कर रहा था, इस बकरी को अच्छे से पालेंगे, यह दूध देगी उसे बेच देंगे, उससे जो पैसे आएंगे उससे घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसी समय जंगल के रास्ते पर तीन ठग बैठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बकरी ले जाते देखा तो उनके मुंह में पानी आने लगा और पहला ठग बोला, अगर आज ये बकरी हाथ लग जाए तो शाम को दावत हो जाए। फिर दूसरा ठग बोलता है, देखो भाई, ब्राह्मण ऐसे तो बकरी देगा नहीं, कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी। तीसरा बोला, मेरे पास एक कमाल की तरकीब है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, अब पेड़ के पीछे छिप जाओ। फिर तीनों चोर पेड़ के पीछे छिपकर बकरी हड़पने की योजना बनाते हैं। कुछ देर बाद पहला ठग ब्राह्मण के पास जाकर कहता है, ये क्या पंडित जी कंधे पर कुत्ता लाद कर जा रहे हो? ये सुनकर ब्राह्मण गुस्से से बोलता है, अरे मूर्ख, मेरे कंधे पे बकरी है, कुत्ता नहीं, अंधा है क्या तू? ये सुनकर ठग जोर जोर से हंसने लगता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी आपके कंधे पर कुत्ता है, अगर किसी को पता चल गया कि एक पंडित कंधे पर कुत्ता लेकर जा रहा है तो कितनी बदनामी होगी। फिर पंडित जी ने कहा, ये बकरी मुझे यजमान ने दी है, कुत्ता कैसे हो सकता है, तू अपनी आंखों का इलाज करवा। इतना कहकर पंडित जी वहां से आगे बढ़ गए और पहला ठग वहां से चला गया। कुछ देर बाद दूसरा ठग पंडित जी के पास आया और बोला, अरे पंडित जी, ये गाय का बछड़ा कहाँ से लाए और इसे कंधे पर उठाकर क्यों घूम रहे हो? ये सुनकर पंडित जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने कहा, आज क्या सारे मूर्ख मुझसे ही टकराने हैं, ये बछड़ा नहीं बकरी है। इतना सुनकर दूसरा ठग गुस्से से बोला, अरे पंडित जी, लगता है गर्मी में वजन उठाने से आपका दिमाग खराब हो गया है, जो बछड़े को बकरी समझ रहे हो। इतना कहकर दूसरा ठग भी वहां से आगे चला गया। अब पंडित जी सोचने लगे, पता नहीं क्या बात है, पहला आदमी से कुत्ता कह रहा था, दूसरा आदमी से बछड़ा कह रहा है। पंडित जी ये सोचते हुए कुछ ही आगे बढ़े थे तभी उन्हें तीसरे ठग ने घेर लिया और बोला, पंडित जी, यह सिर्फ गधे का बच्चा उठाकर क्यों घूम रहे हो, कैसा जमाना आ गया है, पंडित भी गधे को सर पे रख कर घूम रहे हैं। ये सुनकर पंडित जी ने कहा, तुझे बकरी गधा दिखाई दे रही है, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो बकरी उठा रखी है, वो भी सर पर नहीं कंधे पर। ये सुनकर तीसरा ठग जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हा हा हा, पंडित जी, गधा सर पर हो तो दिमाग कहाँ से चलेगा, लगता है गधे का असर दिमाग पर हो गया है, जो गधे को बकरी बोल रहे हो। ये कहकर तीसरा ठग भी आगे चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा, कहीं यह कोई पिशाचिनी या भूत तो नहीं है, जो सभी को अलग अलग जानवरों के रूप में दिखाई दे रही है। ये सोचकर ब्राह्मण ने बकरी को कंधे से उतार दिया और वहाँ से भाग लिए। उन्होंने सोचा कहीं पिशाचिनी मेरे पीछे न पड़ जाए। उनके जाने के बाद तीनों ठगों ने लपककर बकरी को पकड़ लिया और शाम की दावत की तैयारी करने लगे।